हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ये ब्रेन वेव्स क्या होते हैं और इन ब्रेन वेव्स के क्या यूज़ हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत पहले एक रिसर्च बंदरों पे किया गया, जिसमें बंदरों को कुछ चित्रों के समूह को पेयर में सेट करना था। ये करने में वो कई बार गलती भी करते और उन गलती से सीखते भी। तो ये पाया गया कि जब बंदर सही पेयर में पिक्चर को अरेंज कर लेते और इस काम के लिए उन्हें रिवार्ड दिया जाता, तो उस वक्त उनके ब्रेन से बीटा वेव डोमिनेंट हो जाया करते थे, यानी कि बीटा वेव्स के स्टेज में वो पाए गए। इसी के विपरीत जब वो गलती करते, उस वक्त उनका थीटा वेव्स डोमिनेंस था। तो आइए जानते हैं कि मेडिटेशन के समय हमारा मस्तिष्क किस स्टेज में होता है, कौन कौन से वेव पाए जाते हैं और इन वेव्स की क्या फ्रीक्वेंसी होती है। दरअसल ब्रेन वेव्स 5 प्रकार के होते हैं, गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। जी हाँ दोस्तों, और इन सारे वेव्स के अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होते हैं। गामा 30 से 100 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी पाए जाते हैं, बीटा 12 टू 30 हर्ट्ज, अल्फा 8 टू 12 हर्ट्ज, थीटा 4 टू 8 हर्ट्ज और डेल्टा 0.5 टू 4 हर्ट्ज। रोज़मर्रा के काम, जो भी हम कॉन्शस स्टेज में रह के काम करते हैं, उस वक्त हमारा दिमाग बीटा वेव प्रोड्यूस करता है। बीटा वेव डोमिनेंस होता है हमारे अंदर। जब हमारा दिमाग एकदम शांत होता है, रिलैक्स्ड होता है, जब आपको लगता है कि आप एकदम रिलैक्स्ड हो, चिल्ड हो, उस वक्त आपका दिमाग अल्फा स्टेज में होता है। ये ऐसा स्टेज है जब आप आधे नींद में होते हैं और आधे जगे हुए। मेडिटेशन के दौरान भी इसी अल्फा स्टेज में आप होते हैं। तो अल्फा स्टेज में जाने के लिए मेडिटेशन एक अच्छा तरीका है। जब हम सो रहे होते हैं, तब हमारा मन थीटा स्टेज में होता है। जी हाँ दोस्तों, इस स्टेज में आप सपने देखते हैं। लेकिन अगर आप डीप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो भी आपका दिमाग थीटा वेव्स प्रोड्यूस करता है। ये वेव्स उस वक्त डोमिनेंस होते हैं। तो डीप मेडिटेशन के दौरान भी आप थीटा स्टेज में प्रवेश कर सकते हैं। जब भी आप बहुत ही गहरे नींद में होते हैं, तो इतने गहरे कि जब आपको सपने भी नहीं आते हैं, तो पाया गया है उस वक्त आप डेल्टा स्टेज में होते हो। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त आपके जो ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, वो डेल्टा वेव्स होते हैं। मेडिटेशन के टर्म में अगर बोला जाए, तो जब आप समाधि के स्टेज में होते हो, तब आप डेल्टा स्टेज में होते हो। तो ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी जानकारी ब्रेन वेव्स से रिलेटेड। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।